राजस्थान में, पूरा इंडिया में सचिन पायलट के मुकाबला कोई नेता नहीं है। ऐसे खंडार से भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में है, पता नहीं अशोक जी माइनस में भी जा सकते हैं। अगली बार खबर आया मतलब यह है राजस्थान के अंदर बीजेपी की 170 सीट का पार होगी। ऊपर से आला कमान से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज किए। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा खांडेर आ चुकी है। ये राजस्थान की सवाई माधोपुर की तहसील है। ये यहाँ पर गहलोत टी स्टॉल है, राजनीतिक यहाँ आप देख सकते हैं साफे में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बैठे। इन लोगों से मैं बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी जितेंद्र गोठवाल और अशोक गरवा हैं और इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। आखिर मैं जानूंगा कि इस बार मुकाबला और इस बार वोट किधर जा रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ की राजनीति तय करने और यहाँ के नेताओं को जिताने और हराने का पूरा दमखम रखते हैं। खंडार में इस बार वोट किस मुद्दे पर पड़ने जा रहा है? किस मुद्दा पे पड़ जा रहा है? अब क्या इस बार वोट क्या देख करके करना है? क्या ये पार्टी है? नहीं, ये सब बैठे हैं, काम को देगा तो काम को देगा, बैस है विकास का हिसाब से हुआ काम तो वोट देगा। विकास नहीं करेगा जो वोट कौन देगा? बढ़िया विकास करेगा तो बढ़िया वोट देगा। तो विकास का दर भैया बढ़िया, अच्छा काम करेगा तो अच्छा वोट मिलेगा। तो ये तो लहर है भाई। अगली बार हमने सबने कांग्रेस को वोट दिया बहुत भयंकर, आपकी बार हम वोट कांग्रेस को नहीं दे रहे, आपकी बार बीजेपी में दे रही है। तो लहर है पायलट की वजह से, हम कहीं आपकी बार नाराज है मतलब। अच्छा पायलट की वजह से आप लोग? पायलट को बिठाया नहीं पहले, मतलब ये है कि मेहनत तो करी पायलट ने और मजा ले गया दूसरा। अच्छा ये तो हुआ, बाकी यार हम तो जगह की जगह ही कांग्रेस जो देता है शुरू से बाद कांग्रेस में ही देंगे फिर भी। और बाकी यार जो बीजेपी में देते हैं वो भी कांग्रेस में मुड़ गया पहले। अगर आज भी पायलट को मुख्यमंत्री को दावादार करते हैं तो गुजर समाज हम भी आज भी बीजेपी कांग्रेस में वोट दे सका मतलब। हम नाराज पायलट की वजह से ही है। अच्छा तो गुर्जर समाज जो कि पायलट गुट के हैं और पायलट की वजह से इन लोगों ने वोट दिया था। हालांकि इनका ये कहना है कि कांग्रेस के साथ इसलिए गए थे क्योंकि वो सचिन पायलट का चेहरा देख रहे थे, लेकिन अब उनकी जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर के है कि पायलट को जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। आप भी बताओ क्या है? यही वजह है इस बार कांग्रेस की जो सरकार है उससे नाराजगी की? यही साहब सब नेताजी की यही बात, सब यही बात हमारी, यही बात हमारी। अभी पायलट को मुख्यमंत्री बना तो हम कांग्रेस में पूरी समाज वोट देता। अच्छा लेकिन अब पायलट के लिए तो अब ये कहा गया कि इस बार बना सकते हैं, तो अभी आप लोग इस बात से इस बार मान नहीं करा इसने चेहरा घोषित करे, स्पष्ट चेहरा घोषित करे भाई पायलट मुख्यमंत्री बनाओ तो हमारे गढ़ उतरे, हम मान नहीं करा। कहने का मतलब ये है कि पहले कांग्रेस को घोषणा करनी पड़ेगी कि पायलट इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तभी ये साथ जाएंगे, नहीं तो इस बार इनको भरोसा नहीं हो रहा। क्या यही बात है? यही बात है साहब, यही बात है। हम पूरे टूट देते हैं पायलट बना, बस ये हाल पायलट। लेकिन पायलट चुनाव तो इस बार लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं? मजबूती से लड़ रहे हैं बड़बा, बार बार गहलोत मानते था पहले, बार बार बना भाई तो पहले मजबूती करी हमने, बहुत से काटे 28,600 से काटे पायलट के चक्कर में है नी, और फिर वो तड़े में खोदी फिर हुई हमने पायलट को वोट पायलट आपको देगा कुंदा, बस पायलट कह दो पायलट बता दो कि भाई हाँ बैठे को तो हम तैयार है तड़के बिल्कुल सब दुनिया। अच्छा पायलट के ऊपर सारा खेल है। 2013 में राजस्थान में सरकार अशोक जी गहलोत के टाइम 21 सीट थी, तो पायलट साहब आए थे 2018 में जब 105 सीट आई थी, गुजर समाज का 76 सीटों पर अच्छा प्रभाव है राजस्थान के अंदर, 76 सीटों पर राजस्थान के अंदर गुजर समाज का। लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उसके कारण गुजर समाज पूरा राजस्थान का नाराज है, पूरा राजस्थान का, खंडार तहसील का नहीं पूरा राजस्थान का। अब सचिन पायलट का चेहरा घोषित कर देती है कांग्रेस पार्टी है तो पूरा 37 कौम उनके साथ है, 37 कौम गुजर समाज नहीं 37 कौम उनके साथ। अगर बीजेपी वाले किसी को घोषित कर देते हैं तो नहीं, उससे किसी का भी करो, गुजर समाज को तो करेगी नहीं बीजेपी,
बीजेपी गुजर समाज को तो करेगी नहीं। क्यों नहीं? गुजर समाज का इतना बड़ा नेता है ही नहीं वो बीजेपी में। हाँ बीजेपी में, राजस्थान में, पूरा इंडिया में सचिन पायलट के मुकाबला कोई नेता नहीं है। 37 कौम में या टाइम कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने वाला है तो सचिन पायलट है, नहीं तो कोई भी नहीं है। अशोक गहलोत बार बार कहता है जादू चलता है, वो कौन सा जादू है उसका? राहुल गांधी यूँ कहता है कि लाल मिर्ची पैदा करो डायरेक्ट, लाल मिर्ची थोड़ी होती है, पहले तो हरी होगी। और गहलोत जी यूँ कहते हैं कि मैं तो घनी कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ पर कुर्सी मेरी छूटती नहीं है, कुर्सी मेरे चिपकती है। अच्छा, आप हर बयान याद करके रखे हुए हैं गहलोत जी का? बिल्कुल, गहलोत जी का, गहलोत जी ने कोई काम नहीं कराया। खंडार जो क्षेत्रीय विधायक है उसने 20 साल राज किया, कोई विकास नहीं कराया। अब की बार है ना, हमारे यहाँ से खंडार से भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में है, पता नहीं अशोक जी माइनस में भी जा सकते हैं। हाँ दोनों टक्कर में, हाँ टक्कर में है दोनों ही। और नहीं तो पिछली बार तो 28,000-30,000 से वोट जीते थे अशोक जी, केवल पायलट साहब की लहर की वजह से। पायलट जो क्या पायलट के साथ धोखा हुआ आप लोग मानते हैं? पायलट साहब के साथ में धोखा हुआ है। गहलोत साहब, हम कांग्रेसी हैं, गहलोत साहब है ना बार बार जादू का नाम कहते हैं, जादू चल रहा है, जादू कुछ नहीं है। जब 21 सीट कांग्रेस की रह गई थी, 2000 कौन से में रही, 13 में 21 सीट रही, 21 से और 102,000 उसमें कितनी आ गई, 100 और कितनी आई, 18, हाँ 18 सीट आ गई। तो केवल पायलट साहब की देन थी वो। अब पायलट अगर इतना गुर्जर समाज और ये सब सर्व समाज नाराज हो जाएगा तो फिर कैसे कांग्रेस की सरकार आएगी? फिर गहलोत साहब का क्या होगा? नहीं आएगी सरकार कांग्रेस की। हाँ। भाई हमारे केसीसी से ही कहेंगे ये 10,000 रुपया मांगे, मतलब 4 फाइल तो मेरे पास रखी, अभी वापसी दे दी उनने। और कहेंगे फाइल में दर्ज है 27 नंबर पे, हवाल भी बता दूं बैंक में, बड़ौदा बैंक में 181 पे फोन कर दिया, जब भी मुझे पैसे नहीं मिले और मेरे पास फाइल वापसी रखी, अभी बता दूंगा भ्रष्टाचार है एकदम। पैसा मांगे, जब पैसा हमारे पास होता तो हम काम रोता ही नहीं आपको बैंकन में। भाई बैंकन में क्यों जाता लोन लेवा? तो विधायक जी से आपने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत है, कागज रखा उनके पास में, हवा टाइम भी कागज है। हम 4 बार तो विधायक के पास होया है, कुशल धरा होया, 4 बार तो सुने ही नहीं। 10 दिन में 2,00,000 माफ की भी। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, ये माफी वाला क्या है? पहले वोट भाई, पहले वोट लिए हमसे, जब यह कही पूरी समाज से के 2,00,000 की केसीसी हमारी माफ करवा दी, 10 दिन के अंदर अंदर कोई कायम एक रुपया भी नहीं करवाया, नहीं माफ हुआ कुछ आज तक। भाई हमसे विश्वास देर बेलार 2,00,000 की छूट दे दी कि तुम्हारा सचिन मुख्यमंत्री बनेगा और 2,00,000 रुपए की छूट और मिलेगी 10 दिन में, आज तक 10 रुपए की छूट भी नहीं आई। मतलब गहलोत साहब ने सारी योजनाएं और तो सब लागू की, रोडों का भी काम अच्छा विकास करवाया और नौकरियां भी काफी दिए, लेकिन 2,00,000 पे जाकर के थोड़ा सा डिपिट खाया। इस तरीके से बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो 15,00,000 की घोषणा की है, उनने आज तक 15 पैसे नहीं दिए किसी को 15 पैसे भी नहीं दिए आज तक। और आरक्षण में भी 9वीं सूची में नहीं डायल किया, अभी गुजरों का जो आरक्षण है अटका हुआ है, केंद्र सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डाला। मतलब बीजेपी सरकार वैसे तो व्यापारी और उद्योगपतियों की पार्टी है, 2 आदमी के खिलाफ पार्टी है, बाकी इतने 2 आदमियों पर खर्च करती है, इतना आम जनता पर खर्च करे तो बीजेपी ऑटोमेटिक बन जाएगी। केवल 2 उद्योगपतियों पर खर्चा ज़्यादा करती है और CBI CDI और क्या है उनका ज़्यादा सहारा लेती है हर बार बीजेपी। वैसे कांग्रेस अच्छी पार्टी है लेकिन उसमें दिग्गज नेता नहीं है, नेताओं की कमी आ गई, केवल पायलट साहब फर्स्ट नंबर पे है हमारी निगाह में। पायलट साहब से आप लोगों के इलाके के लोगों से बात नहीं हुई, पायलट साहब की ये नाराजगी जो आप लोगों की है, ये पायलट साहब तक पहुंची कि नहीं पहुंची? पायलट साहब के पास में पहुंच भी गई होगी, नहीं पहुंची होगी शायद, अब पहुंचा देना आप लोग। नहीं हम लोग तो पहुँचाएंगे। हाँ मेरा नाम रघुनाथ सिंह गुजर,
कांग्रेस से ही हूँ मैं होने को, लेकिन अब की बार आज तक नहीं आया। पायलट साहब 2 लाख की खेर गया से पास आज तक मुंडो बताओ नहीं आया आज तक भी कहाँ दे रहे भाई मिलो ही नहीं जब कहीं खास खराब पास वा पायलट बनाए हुए नहीं जब खास खराब हुआ पास। इस बार क्या माहौल है यहाँ का, किस मुद्दे को लेकर के वोट डालने जा रही जनता? इस बार गोटवाल जी का पिछली बार बहुत अच्छा विकास रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की पब्लिक ज़्यादा वोट करेगी। अच्छा, ये अशोक जी का जो मौजूदा विधायक हैं इनका क्या रहा? अशोक जी टाइम से यहाँ पे कभी विधानसभा में दिखते ही नहीं है, पता नहीं खा रहे थे, कभी यहाँ मिले नहीं आप लोगों, और बहुत कम विकास करा रहा है उन्होंने गोटवाल जी के मुकाबले। अच्छा, इस बार ये बताइए विधायक जी ने कुछ काम वाम कराया है यहाँ पर, और क्या माहौल है इस बार, क्या मुद्दा है इस बार? प्रचार करवा के लिए आवे, उसके बाद में आकर नहीं थी 5 साल के लिए। हाँ, अशोक जी बीजेपी आर पार चलेगी मतलब यहाँ तो। अच्छा, बीजेपी चलेगी? गुर्जर तो सब कांग्रेस में आ गया, बीजेपी में कांग्रेस में बता रहे हैं सब बात, पूरा बीजेपी में गुर्जर भाई वो कह रहे हैं हमारे सचिन पायलट इस बार जो सीएम बनाना है। अगली बार का बनाया ये मतलब यह है, ठोकर देगा अब की बार फुल ओवर पेट मिलेगी भाई साहब। तो पिछली बार कैसे गलती हो गई, अब आप लोगों ने अशोक को चुन लिया? पिछली बार क्या, हमारी जो गुजर समाज है उसके अंदर ये था कि हमारा समाज का बंदा जो सीएम बनेगा, लेकिन सरकार ने उसको तवज्जो नहीं दिया, इसलिए अब समाज में आक्रोश है और ये कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल दूर है। हमारा समाज 99% वोटिंग गुजर समाज बीजेपी पक्ष में करेगा। अच्छा, इस बार क्योंकि कह तो रही है कांग्रेस पार्टी की इस बार सचिन पायलट को भी के साथ भी देंगे, आपको पता है स्टेट के अंदर गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो पाएगी बिल्कुल, बीजेपी सरकार आने वाली है तो सीएम तो कहाँ से बना पाएंगे वो सीएम। अच्छा, आपको ये लगता है कि इस बार सचिन पायलट का नंबर नहीं है? नहीं, नंबर तो सचिन पायलट को आहोर में था, हम तो सचिन पायलट के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो कोई भी वोट नहीं करेंगे। अगर उसको सीएम फेस आगे करते हैं तो बिल्कुल 100% कांग्रेस को वोट करेंगे, अगर उसको सीएम फेस आगे नहीं किया तो बिल्कुल यहाँ जाट मीणा बाकी अदर सारी जो जातियों में नाराजगी कोई बात नहीं है, और यही एक नए चेहरा की वजह से पिछली बार कांग्रेस को वोट किया है, भाई नया सीएम मिलने वाला है राजस्थान को। अब की बार कांग्रेस ने भाई गहलोत सामने फ्रंट पे गहलोती थे, बाकी पायलट को कहाँ है नंबर, पायलट तो आज होल्डिंग से गायब है, अब दोबारा लगा रहे चुनाव आगे देखती सी भाई आगे कुछ नहीं होने वाला, पायलट तो सीएम बनेगा नहीं, पायलट के तो वो जो मंत्रालय दिए भी वापस ले लिए, आपको पता है 2 साल के लिए डिप्टी सीएम क्या होता है, डिप्टी सीएम कोई पद नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा है जिसने आपको पता है कि एक गाँव में 100 आर एस बना दिए, भाई हमारी खंडार में तो एक भी आर एस नहीं है, नहीं तो हमारे MLA ठीक नहीं है, वजह यही है हमारे नेता ठीक नहीं है, नगर पालिका भी नहीं है, वो ये हमारे जंगलात का डांग का जोन भी नहीं खुला, और रामेश्वर पर्यटन है उसका पर्यटन भी नहीं हुआ, वो यहाँ सामटा घाट पे डैम भी नहीं बना जो किसानों के लिए पानी के लिए फायदेमंद है। निकलेगी अगर यहाँ सचिन पायलट दौरा करता है तो 100% निकलेगी, सब वोट करेंगे, अगर वो नहीं आता है तो बिल्कुल कोई भी वोट नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, अगर वो गलती से यहाँ आ गए तो 100% वोटिंग करेंगे, और वो नहीं आते तो कोई वोटिंग नहीं करेंगे। राजस्थान के अंदर बीजेपी की 170 सीट का पार होगी, 200 में से 170, यही तो बात है, अब की बार परिवर्तन चल रहा है भाई साहब, परिवर्तन करना है 100%। तो यहाँ तो आदत रही है राजस्थानियों की कि हर बार एक बार इधर रोटी पलटी है, एक बार इधर रोटी पलटी, फिर इधर पलटी, फिर इधर पलटी। नहीं, बात तो सही है आपकी, यह है बात भाई, भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक बार बार हुए कि नहीं, तो इन वजह से यह तो सबकी नाराजगी है। अगर सीएम फेस कोई और भी आता है, नहीं अगर पायलट आता है तो खैर यह प्रचार करने की जरूरत रही कांग्रेस को, यह तो वोट बैंक की कांग्रेस का है, लेकिन की बार मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद अभी हम तो कह नहीं सके कि जीते को तो कौन आ रहे को कौन, लेकिन अशोक गहलोत को यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, अगर वो दौरा कर जाता है नहीं तो 30,000 वोट नहीं डलेंगे कांग्रेस के, अगर पायलट आता है तो फिर बात कुछ और ही है। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं, एक तो 3 प्रत्याशी हैं जितेंद्र और अशोक, वहीं 3 जातियों का भी मसला है, गुर्जर जाट और मीणा, अब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो समीकरण है, जो एक साथ हो जाएगा वही यहाँ से यानी खांडेर से बाजी मार ले जाएगा। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, 1 इंडिया हिंदी।